वेरी ऑनेस्ट, मैंने थाल्गो के बारे में सुना नहीं है कभी, और बाकी किसी पार्लर से सुना नहीं है। हाँ तो मिलेगा, मिलेगा आपको हर जगह, ये सिर्फ गीतांजलि में मिलेगा या हमारे यहाँ मिलेगा। ब्यूटिशियन शायद आने वाली है कंसल्टेशन के लिए, बट हमने डिसाइड कर लिया कि हमें वही वाला करवाना है, थैलगो का प्योर से समथिंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस एस यादव व्लॉग्स, और आज हम जाने वाले हैं सैलून। सो गाइस, फैजाबाद में नया सैलून खुला है मॉनसून, और मैंने काफी सुना है उसके बारे में, उसकी शायद और भी फ्रेंचाइजीज हैं, बट फैज़ाबाद में भी पहली बार खुला है। सो मतलब खुला है, टाइम तो हो गया, बट मुझे अभी मतलब रिसेंटली पता चला है, तो मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे सैलून की सर्विसेज लेनी थी, कुछ फेशियल वगैरह करवाना था, तो क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। तो फाइनली अब मैं जाने वाली हूँ मानसून, तो लेट्स सी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है मानसून। हम आ गए हैं मॉनसून, अब हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे। पहले यार हर जगह परमिशन नहीं होती, तो यहाँ पे पहले परमिशन ले लें। सो गाइस, हम एंटर कर चुके हैं मॉनसून में, अभी मैं यहाँ पर फिलहाल रिसेप्शन एरिया पर बैठी हूँ, और आप मुझे थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, मैं फिर जल्दी जल्दी में बस ऑलमोस्ट आधी नींद वाली हालत में आ गई, मुझे काफ़ी लेट हो गया था, मुझे बहुत पहले आना था, लेकिन मैं सो गई, और सोने के बाद मैं यहाँ एकदम डायरेक्टली हड़बड़ाती हुई हालत में आई हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से मतलब अपना जो भी सर्विसेज लेनी थी वो करा के वापस घर भी जल्दी जाना है, काफ़ी लेट हो गया है मुझे। सो फिलहाल मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ। फिलहाल हम डिसाइड करने वाले हैं कि मुझे कौन सा फेशियल करवाना है। प्राइजेस वैसे बहुत हाई नहीं है, नॉर्मल है, मतलब मैंने ऑलमोस्ट सारे पार्लर्स में ऐसे ही प्राइजेस देखे हैं। आप कौन सा सजेस्ट करना चाहेंगे? तो सजेस्ट में हमारे पास होगा, कस्माला में होगा, तेलुगु में आपकी होती है उसमें जिंजर होगा, स्क्रब होगा, पैक होगा, क्रीम होगा, लास्ट में पैक होगा। बट ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने थैलगो के बारे में सुना नहीं है कभी, और बाकी किसी पार्लर से सुना नहीं है। ये सिर्फ गीतांजलि में मिलेगा। सो बेसिकली थैलगो से ये वाला है, बोलते हैं मरीन रिचुअल, 60 मिनट का फेशियल है, तो हम ये डिसाइड करते हैं किसी को करवा लेते हैं। ब्यूटिशियन शायद आने वाली है कंसल्टेशन के लिए, बट हमने डिसाइड कर लिया कि हमें वही वाला करवाना है, थैलगो का प्योर से समथिंग। आई हैव अ कॉफी। ऐसे भी घर से खाना खा के नहीं निकली हूँ मैं, खाली पेट ऐसी आ गई हूँ, बहुत जल्दबाजी में निकली हूँ गाइस मैं यार, मतलब मेरी आँख खुली बड़बड़ा के मुठी हूँ कि हाय मुझे जाना था, और 4:30 हो रहा था टाइम उस टाइम, और भाई इस जगह पे जो मैरिड लड़कियाँ होती हैं उनको थोड़ा सा मैरिड, और जो मोस्टली मतलब सबके साथ फैमिली में रहते हैं उनको थोड़ा सा इस चीज़ से रिलेट करना बहुत ईजी होगा, कि हम लोगों को ये भी देखना होता है ना कि जल्दी जल्दी पार्लर जाओ, फिर वहाँ से जल्दी आओ, ताकि घर के काम में लेट ना हो। तो वही मेरे दिमाग में चल रहा है कि अब यहाँ पे अब आई हूँ तो अब कब जाऊँगी, कब मेरा काम हो पाएगा, मुझे वहाँ पे भी करना होगा तो कैसे होगा। अच्छी सो गाइज, मुझे वैक्सीन भी करवानी थी, और यहाँ से व्रीका होता है तो मैंने वही करवाया, मैंने फुल हैंड्स और लेग्स, मुझे अराउंड 1400 का पड़ा था, और उसके बाद फिर मैंने एक बहुत ही अमेजिंग कॉफ़ी इंजॉय की। सो गाइज, ये था वो एरिया जहाँ फेशियल होना था, जहाँ काफ़ी सफाई और हाइजीन था, प्लस एक रिलैक्सिंग वाइब क्रिएट की गई थी। सो गाइज, फाइनली अब फेशियल स्टार्ट होने वाला है। फेशियल से पहले एक बहुत ही अमेजिंग सा मसाज दिया जाता है, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट मसाज। सो गाइज, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है क्लेंजिंग का, यहाँ पर क्लेंजर की मदद से मेरी स्किन को अच्छे से क्लेंज किया गया है,
और साथ ही अच्छे से मसाज दिया गया है, और साथ में फिर से सेकंड स्टेप फिर से क्लेंजिंग है जिसमें दोबारा से क्लेंज किया गया है। इस फेशियल में गाइस दो बार क्लेंजिंग होती है। क्लेंजिंग के बाद अब बारी है टोनर की। यहाँ पर टोनर को इवनली पूरे स्किन पर अच्छे से मसाज के थ्रू लगाया जा रहा है और अब्सॉर्ब कराया जा रहा है। एंड उसके बाद बारी आती है एक्सफोलिएटर की, जिसे अच्छे से चेहरे पे अप्लाई करके अच्छे से एक्सफोलिएट की जा रही है मेरी स्किन को। फाइनली चेहरे को अच्छे से क्लीन करके फिर से टोनर अप्लाई कर रहे हैं स्किन पर। अब है बारी फिफ्थ स्टेप की, जिसमें इन्होंने सीरम अप्लाई किया था चेहरे पे और उसके बाद काफ़ी अच्छे से उसे मसाज दिया और उसे पूरे स्किन पर अब्सॉर्ब करवाया। के बाद मसाज क्रीम से फाइनली और मसाज दिया गया मेरी स्किन को। अब बारी है फाइनल स्टेप की, जहाँ पे फेस पैक लगाया जाएगा। यहाँ पर पहले बेस फेस पैक लगाएंगे, उसकी पतली सी लेयर इवनली पूरे चेहरे पे लगाई जाएगी एंड फाइनली इसके बाद इसके ऊपर रबर मास्क लगाया जाएगा। फाइनली फेशियल कंप्लीट हो चुका है एंड रिजल्ट्स मुझे वैसे तो अच्छा लग रहा है काफ़ी, बट अभी लाइट्स में देखेंगे। बट बहुत रिलैक्सिंग था यार फेशियल, बहुत रिलैक्सिंग, बहुत अमेजिंग मसाज था। मेरा फाइनल एंड रिजल्ट मुझे तो काफ़ी इफेक्टिव दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा टैनिंग भी हट गई है। सो दीज आर द फाइनल रिजल्ट्स गाइस, मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, मतलब आई गेस टैनिंग भी। बेसिकली आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई सर्विस। सो गाइज यहाँ पर मैं अपना बिल का वेट कर रही हूँ और मेरा फेशियल 3,500 का था और मेरा टोटल बिल अराउंड 5,000 का था। ओके जी, तो फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूं और यहां पे लाइट्स में आपको मैं आराम से दिखाती हूं कि जो भी मैंने सर्विस ली है उसके हिसाब से, जो भी फेशियल लिया था उसके हिसाब से मुझे आप देख सकते हैं स्किन मेरी काफ़ी अच्छी दिख रही है, मतलब पहले से बहुत बेटर है, काफ़ी टैनी हट चुकी है और मेरा थोड़ा सा इवन टेक्स्चर लग रहा है स्किन का अब। सो बेसिकली आई एम वेरी मच हैप्पी विद द सर्विस। वहाँ का जो स्टाफ था बहुत ही पोलाइट था, बहुत ही हम्बल था, प्लस उनका काम करने का तरीका बहुत प्रोफेशनल था। सारा जितना भी सामान यूज़ किया गया था सब कुछ बहुत सफाई के साथ यूज़ किया गया था, प्लस डिस्पोजेबल्स यूज़ किए गए थे। तो मैं इस सब चीज़ों के लिए तो उन्हें एक थम्स अप दूंगी। प्लस यार मुझे पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस जो रहा वहाँ पे बहुत अच्छा रहा, उनका जो सर्विस था वो बहुत ही मतलब प्रोफेशनल था, बहुत अच्छा था। जो मसाज उन्होंने दिया वो बहुत रिलैक्सिंग था। सो मेरी तरफ से तो मैं कहूँगी कि जो भी मेरी एक्सपेक्टेशन थी मॉनसून के साथ वो बहुत ही मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही अच्छा रहा एक मेरा एक्सपीरियंस। प्राइस वाइज मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव भी नहीं है, पर हाँ यार बहुत बजट फ्रेंडली भी नहीं है। बट आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो क्योंकि जिस हिसाब से पैसा ले रहे हैं और उस हिसाब से वो सर्विस भी दे रहे हैं, तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग को अगर ट्राई करना हो तो मैं तो अपनी तरफ से बोलूंगी कि आप प्लीज़ आप ट्राई कर सकते हो। और वहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा सामान जो भी यूज़ किया था वो भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया, क्वालिटी का यूज़ किया गया था। जो मैंने यूज़ किया है, मैंने जैसे कि मैंने बताया कि मैंने एक फाइनली फ्रेंच फेशियल करवाया है आज, तो उसके हिसाब से मतलब मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा।
एक फ्रेंच फेशियल लेके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मुझे असर भी दिख रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी। सो गाइज, इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ, अपना वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा आज का भी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, प्लीज कर लीजिए। आप लोग अब नहीं करते हो, एनीवेज कर लीजिएगा। और साथ में मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा। कोई सजेशन हो तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। आप प्लीज मेरे को वो सजेशन मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कोई आइडिया हो तो वो भी दीजिएगा, कहीं गलती कर रही हूँ तो वो भी मुझे बताइएगा। और इसी के साथ मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा। चलिए, बाय, थैंक यू, लव यू, बाय।